खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर, मिरा सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग फास्टर देन एवर बिफोर, बट नो मैटर व्हाट द चैलेंज, आवर चिल्ड्रन विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट। At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Her painting isn't just an art, it's the language of my imagination. Nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में कांग्रेस ने शुरू की जिताऊ प्रत्याशियों की खोज, एक दर्जन नाम आए सामने, और बात होगी सीतापुर पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल हुई आयोजित। फिर बात करेंगे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग और पड़ाव से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे टिकट को लेकर अपने सहयोगी से भिड़े भाजपा सांसद, ऑडियो हो रहा वायरल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सपा नेता अल्लन खां को संगठन में मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीतापुर में सौर ऊर्जा प्लेट चोर गिरोह पर पुलिस ने कसा सिकंजा, 39 प्लेट बरामद। सीतापुर में 28 फरवरी को आयोजित होगी उद्योग बंधु की बैठक। सीतापुर के हिंद अस्पताल में विशेषज्ञों ने की मरीजों के बेहतर इलाज पर चर्चा। लखीमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किया 5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास। लखीमपुर में डीएम ने कारगिल योद्धा को किया सम्मानित, सुनी सैनिकों की समस्याएं। पेपर लीक में फंसी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने पर सपा कांग्रेस ने योगी सरकार पर साधा निशाना। यूपी में एक और सरकारी भर्ती परीक्षा पर मंडरा रहा है संकट के बादल। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण अभ्यास के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस बल को आंसू गैस,
पैलेट गन, रबर बुलेट गन और एंटी राइट गन का अभ्यास कराया गया। मॉक ड्रिल का एसपी चक्रेश मिश्रा ने निरीक्षण करते हुए पुलिस बल को निर्देशित किया कि शांति भंग करने वालों के विरुद्ध न्यूनतम बल प्रयोग के साथ प्रभावी नियंत्रण किया जाना जरूरी है, जिसके लिए सदैव मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। इस मौके पर एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने पुलिस बल को प्रशिक्षण दिया। मॉक ड्रिल में सभी सीओ, इंस्पेक्टर तथा थाना अध्यक्ष और उनसे संबंधित पुलिस बल मौजूद रहे। सीतापुर तीर्थ नगरी मिश्रिख नैमिषारण की पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा और मेला 10 मार्च से शुरू हो रहा है। यह 7 अप्रैल तक चलेगा। अब तक इसे सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए किए गए निरीक्षणों में परिक्रमा के कई पड़ाव स्थलों पर अतिक्रमण होना पाया गया है। इसे लेकर मिश्रिख एसडीएम और मेला अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है। एसडीएम ने कहा कि परिक्रमा मार्ग के पड़ाव स्थलों और मेला मैदान भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वह 7 दिन के अंदर खुद हटा लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेवसा में 8 ब्लॉक और 2 नगर पालिका से पंजीकृत जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 367 जोड़ों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से कुल 350 जोड़ों का विवाह कराया गया। इनमें से 9 जोड़े मुस्लिम समाज से थे, जिनका रीति रिवाज के अनुसार निकाह पढ़ाया गया। विवाह के बाद भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने सभी जोड़ों पर पुष्प वर्षा कर सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया और उपहार भेंट किए। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, बीडीओ रजनीश कुमार, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान मौजूद रहे। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और जिला पंचायत सदस्य तौकीर अहमद उर्फ अल्लन को पार्टी के प्रति समर्पण का इनाम मिला। तौकीर अहमद को सपा की अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव नामित किया गया है। प्रदेश सचिव बनाए जाने के बाद सीतापुर कार्यालय पहुंचे तौकीर अहमद का सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने स्वागत किया। इस दौरान रिजवान अहमद, शफीक खान और पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौशल सिद्दीकी मौजूद रहे। सीतापुर में रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब और वुमेन वेलफेयर क्लब द्वारा मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मेदांता से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने ब्रेस्ट कैंसर और दिल की बीमारियों के संबंध में जानकारी दी। इस शिविर का उद्घाटन प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर रेखा गोयल, रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉक्टर तरुण सैगल, सचिव तुषार रस्तोगी, इनर व्हील से मीना गुप्ता, शोभना मेहरोत्रा, वर्षा अग्रवाल और वुमेन वेलफेयर क्लब से रति सैगल, मीनू कपूर और अंकिता सैगल ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस दौरान ब्रेस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग खरे ने ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में बताया। वहीं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव सक्सेना ने कहा कि अनियमित आहार, जंक फूड और अधिक मसालेदार भोजन दिल के दौरे का कारण बनते हैं। सपा छात्र सभा की सीतापुर जिला इकाई ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करते हुए दोबारा जल्द परीक्षा कराने की मांग की है। जिलाध्यक्ष शिवम सिंह के नेतृत्व में छात्र सभा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ सरकार द्वारा खिलवाड़ किया जाना बताया। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देकर पुलिस भर्ती के साथ आर ओ ए आर ओ भर्ती परीक्षा भी जल्द दोबारा कराने की मांग की गई है। ज्ञापन देते समय अभय, रुद्र, रजनीश, समीर, मुनेन्द्र, अनिल, जीसान, दीपक और राहुल मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने सौर ऊर्जा प्लेट चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 39 सौर ऊर्जा प्लेट बरामद किए गए हैं। यह सफलता मिश्रिख पुलिस को मिली है। सीओ मिश्रिख राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में एसआई करतार सिंह, मुख्य आरक्षी राजकुमार सिंह, असरफी लाल गुप्ता और आरक्षी गौतम कुमार की टीम ने क्षेत्र के तमाम तेलियानी में अचानक छापा मार दिया। पुलिस की कार्रवाई में थाना रामकोट निवासी राहुल गौतम, सखवंत सिंह और पंकज कुमार को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 39 सौर ऊर्जा प्लेट बरामद किए गए। उनकी कीमत करीब 4,68,000 रुपये बताई जाती है। सिदौली तहसील के अंतर्गत इस्माइलगंज निवासी आरवीर सिंह सरकारी क्षेत्र की न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी पद पर चयनित हुए हैं। उनकी इस सफलता पर घर परिवार सहित समूचे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर गांव तथा आसपास के तमाम संभ्रांत जनों ने उन्हें बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। अबाद धर्म कर्म की माघी पूर्णिमा के अवसर पर सीतापुर की एक पौराणिक तीर्थ नगरी नैमिषारण में सड़कों पर आस्था का सैलाब नजर आया। हजारों की संख्या में तीर्थ नगरी पहुंचे श्रद्धालुओं ने आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाकर मंदिरों में दर्शन पूजन किया। यह दौर भोर से लेकर शाम तक अनवरत चालू रहा। इस मौके पर आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने बालाजी मंदिर में श्री पाराश्रम
बिखनांसा के सानिध्य में श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनी। माघी पूर्णिमा पे एक माह से कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं ने भी स्नान दर्शन पूजन और दान पुण्य के बाद अपने घरों को प्रस्थान किया। सीतापुर में जिला उद्योग बंधु की बैठक 28 फरवरी को आयोजित की जाएगी। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 4 बजे से आयोजित होगी और इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अनु सिंह द्वारा की जाएगी। जिला उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि इस बैठक में उद्यमियों की समस्याओं और उससे संबंधित स्वीकृतियों के निराकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। रामकोट कस्बे के पहले जिम सेंटर का प्रधान रामनिवास उर्फ पप्पू वर्मा ने उद्घाटन किया। इंडियन हल्क जिम सेंटर के नाम से यह संस्थान बबुरी जैती खेड़ा मार्ग पर स्थापित किया गया है। जिम संचालक कयूम सिद्दीकी ने कहा कि यह जिम युवा कम फीस में उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान भाजपा नेता अंकुल तिवारी, ट्रेनर मोनू रावत, लकी वर्मा, फैज आलम, लकी अवस्थी, कैफ खान, गोलू वर्मा, नफीस गाजी, अंकित यादव और जहीर मौजूद रहे। सीतापुर के अटरिया क्षेत्र स्थित हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया। माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में लखनऊ स्थित PGI मेडिकल कॉलेज और लोहिया मेडिकल कॉलेज तथा हिंद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा विशेषज्ञों ने मरीजों के उपचार को और बेहतर करने के उपायों पर चर्चा की। कार्यशाला का उद्घाटन संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर AK सचान, डॉक्टर रवि सिन्हा, डॉक्टर मुकुल सक्सेना, डॉक्टर राजिया, डॉक्टर दिवाकर श्रीवास्तव और राजेश कुमार राय ने किया। कार्यशाला में डॉक्टर राजिया खातून, डॉक्टर रवि सिन्हा, डॉक्टर मनोदीप सेन, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर फरीदा, डॉक्टर सिराज, डॉक्टर शीतल वर्मा और डॉक्टर नूरजहां आदि ने अपने विचार रखे। लहरपुर तहसील के महमूदपुर से आए तमाम राशन कार्ड धारकों ने कोटेदार मीरा देवी पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराए जाने की मांग की है। जिला पूर्त अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि SDM से की गई शिकायत के बाद क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने दुकान के स्टॉक का सत्यापन किया था, जिस दौरान निर्धारित राशन से काफी कम मात्रा मौजूद पाई गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि इसे लेकर उल्टा कोटेदार ने लहरपुर कोतवाली में झूठा प्रार्थना पत्र दिया। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया पर फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण पर 3 दिन की प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान अनुसूचित जात की 65 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया। सीतापुर के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर SK सिंह ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से कृषक महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकेगा। प्रशिक्षण की अध्यक्षता डॉक्टर राम नाइक मुंडे ने की तथा प्रमुख वक्ताओं में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर स्वाति दुबे, प्रोफेसर जयशंकर, डॉक्टर S सुचित्रा देवी, डॉक्टर सौरभ यादव, डॉक्टर अखत सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर शिशिरकांत सिंह, सचिन प्रताप तोमर और डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह शामिल रहे। प्रशिक्षण का समापन वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने किया। मिश्रिक कोतवाली में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस के दौरान कुल 7 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 6 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस मौके पर SI नेम सिंह, राधेश्याम सिंह, कस्बा इंचार्ज अशोक कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक गोपाल लेखपाल, अजय कुमार पांडे, संदीप सिंह और कुलदीप सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखीमपुर मार्ग पर झरेखापुर चौराहे के पास अल्कोहल से भरा टैंकर ब्रेक फेल हो जाने से बेकाबू हो गया। गनीमत रही कि यह घटना देर रात करीब 11 बजे हुई, अन्यथा बड़ी जनहान हो सकती थी। टैंकर का ब्रेक फेल होने से सड़क किनारे बना हनुमान मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पटरी पर रखी करीब आधा दर्जन दुकानें नष्ट हो गई। कसमंडा ब्लॉक के सरवा जलालपुर स्थित माता भारी देवी मंदिर पर तृतीय सत्यचंडी महायज्ञ का समापन हो गया। इस मौके पर कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। अंतिम दिन नैमिष से आए पंडित पुनीत शुक्ला और फलाहारी बाबा ने संगीतमय कथा का रसपान कराया। इस मौके पर महमूदाबाद विधायक आशा मौर्या, प्रधान उमेश सिंह, प्रेमदीप जायसवाल, शैलेंद्र मिश्रा, कुलदीप सिंह, विकास मिश्रा, इंद्रपाल सिंह, विजय सिंह, राजन सिंह, मुलायम सिंह, कमलेश सिंह, श्री राम यादव, दिव्यांश मिश्रा और राम सनेही यादव मौजूद रहे। मिश्रिक तहसील के कस्बा कुतुब नगर में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कथाव्यास सुखदेव शुक्ला ने सच्चाई की जीत से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया। कथा में यजमान सर्वेश, पप्पू, मनु कश्यप और विपिन सिंह मौजूद रहे। पिसावा थाना क्षेत्र के भिठौरा गांव में चल रहे श्री रुद्र महायज्ञ का पूड़ाहूत के साथ समापन हो गया है। इस मौके पर कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया।
समापन अवसर पर साधु संतों सहित प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार सिंह, साकेत निशु, शत्रुघ्न सिंह और सुजीत मौजूद रहे। पिसावा थाना क्षेत्र के कुल्हा पुल के पास भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का बेमियादी धरना प्रदर्शन जारी है। संगठन के मंडल प्रवक्ता हरिहर मास्टर ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान होने तक यह धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। धरने के बाद कंचन और जहीरुद्दीन मौजूद रहे। कमलापुर थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। प्रभारी निरीक्षक कृष्ण बलि सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस के दौरान दो शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें एक का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि राजस्व से संबंधित शिकायत लेखपाल को प्राप्त कराकर समय से निस्तारित करने के आदेश दिए गए। इस मौके पर महिला आरक्षी सविता, राजस्व निरीक्षक सदानंद वर्मा, लेखपाल मनमोहन कटियार, अनूप कुमार, संजीव दीक्षित, वर्षा जायसवाल, अभिषेक दीक्षित, सच्चिदानंद द्विवेदी और आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Her painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। तीन बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाएं लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के बरई जलालपुर कस्बे में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर सुधीर राजवंशी ने बताया कि शोभा यात्रा के बाद बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सुशील कुमार, भगवान दीन, किशोर कौशल और संत राम मौजूद रहे। राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल के सीतापुर नगर प्रभारी खिलाड़ी शाह द्वारा गुरु गोरखनाथ जी का नवा भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे के प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में छाया देवी, राजीव सक्सेना, रोहित शाह, मोनू शाह, नीरज शाह और सुरेंद्र शाह आदि ने सहयोग किया। तहसील सिदौली और थाना कमलापुर क्षेत्र के खानपुर में चल रहे रास्ते विवाद को आपसी समझौता कराकर समाप्त करा दिया गया है। यह विवाद सुशीला पत्नी हरिकरण लाल तथा आमून और सामून पुत्रगण जहीर खान के बीच चल रहा था। इसे लेकर सिदौली SDM अनिल कुमार के सामने प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके बाद SDM अनिल कुमार, CO सिदौली शोभित कुमार ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। इस दौरान कमलापुर थाना प्रभारी कृष्ण बलि सिंह और लेखपाल मुकेश अवस्थी मौजूद रहे। सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र के अंतर्गत बेनीपुर स्थित अजीम मेमोरियल नेशनल PG कॉलेज में स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन प्रबंधक हाजी मोहम्मद कलीम खां, संरक्षक मौलाना जावेद इकबाल, प्रबंधन निदेशक मोहम्मद फहीम खां के निर्देश में किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य इदरीश अमर मेहरोत्रा, सुभाष वर्मा, नैयर साकेब, नीरज श्रीवास्तव, रामलखन यादव, रंजना वर्मा, प्रतिमा वर्मा, रेशमा बानो और अभिषेक चंद्र आदि मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन होने के बाद सीतापुर संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में आई है। अब कांग्रेस ने इस सीट पर जिताऊ प्रत्याशी की खोज शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को सीतापुर लोकसभा प्रभारी आशुतोष मिश्रा पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे, संगठन के कामकाज को देखा और बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है इसे लेकर मंथन किया। सीतापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस सामान्य, OBC और दलित में कौन जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है इस पर मंथन कर रही है। अब तक टिकट के दावेदारों में एक दर्जन के आसपास नाम भी आ गए हैं। टिकट मांगने वालों में पूर्व विधायक राकेश राठौर, पूर्व मंत्री नकुल दुबे, पूर्व MLC हरीश वाजपेयी, शिव पांडे, जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, वरिष्ठ नेत्री समीना शफीक, मंजरी राही, अभिनव राजा भार्गव, प्रमोद वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश निषाद और पुष्पा भार्गव के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। महमूदाबाद कोतवाली परिसर में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता तहसीलदार सूरज प्रताप ने की। इस मौके पर कुल 12 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 5 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को स्थगित कर दी गई। समयबद्ध निस्तारण का निर्देश भी दिया गया।
और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी ने अपनी सांसद निधि से प्रस्तावित 5 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, जितेंद्र त्रिपाठी, अमरीश सिंह, संजय मिश्रा, गंगाराम आचार्य, अनूप मिश्रा, अटल राय, दीपक मिश्रा, कन्हैया गुप्ता, अरुण मिश्रा, सुरेंद्र कश्यप और मधुकर मौजूद रहे। महिला कल्याण विभाग द्वारा लखीमपुर में संचालित वन स्टाफ सेंटर का पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव और ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह ने भ्रमण किया। डीबो संजय कुमार निगम ने दोनों जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया और सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं तथा सुविधाओं की जानकारी देते हुए कार्यप्रणाली के बारे में बताया। लखीमपुर में सैनिक बंधु की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं से रूबरू होते हुए सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान डीएम ने कारगिल योद्धा और जिले के बाकेगंज निवासी रिटायर्ड कर्नल आलोक सक्सेना को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। लखीमपुर के न्यू साइंस स्टडी पॉइंट में जेसीआई द्वारा परीक्षाओं में तनाव से कैसे बचें विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। जेसी उत्कर्ष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित इस गोष्ठी का संचालन जेसी ऋतिक शाहू ने किया। गोष्ठी को मुख्य प्रशिक्षक जेसी राम मोहन गुप्ता और सह प्रशिक्षक जेसी मीता गर्ग और जेसी डॉक्टर राकेश कुमार माथुर ने संबोधित किया। इस दौरान विशेष सहयोग के लिए शौर्य गुप्ता, आयुष तिवारी और देवेश तिवारी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धीरज श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव, तरणी राया, अनय मिश्रा, सजल जेसीआई उपाध्यक्ष शुभम टंडन, अमित अग्रवाल और रचना अग्रवाल मौजूद रहे। लखीमपुर में मेला मैदान के निकट स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में लाला महावीर प्रसाद द्वारा श्रृंगार भजन कीर्तन भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान आनंद कुमार मिश्रा, घनश्याम दास रेवाड़ी, महावीर प्रसाद, संगीता महेंद्र तथा नगर के भजन गायक सोनू, मोनू, कमल और शिवम के भजनों ने समा बांध दिया। अनाड़ी भक्त मंडल के इस कार्यक्रम में पंडित रामदेव शास्त्री, नंदलाल वैभव विशाल, राम मोहन गुप्ता, अतुल जायसवाल, मधुकर महेंद्र, राजेश आसूकक्कड़, गौरी कोमल, रूबी दीपाली और संगीता महेंद्र मौजूद रहे। लखीमपुर में गोला स्थित बजाज चीनी मिल में 17 फरवरी को जगन्नाथपुर निवासी घनश्याम का काम करते समय झुलस जाना, 23 फरवरी को दोपहर घनश्याम की सांसें थम जाना, श्रमिक का शव गांव पहुंचने पर हालात नाजुक बनते देख पुलिस तैनात कर दी गई। 24 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशान और किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा तथा जिला अध्यक्ष मनोज कुमार फौजी गांव पहुंचे और उन्होंने श्रमिक की मां और बहन को तत्काल मुआवजा दिए जाने की मांग कही है। मौके पर मौजूद कारखाना प्रबंधक आर के मिश्रा और पीसी गुप्ता ने 8 लाख का चेक दिया और 2 लाख रुपए प्रधान को दे दिए गए, जिसके बाद हालत सामान्य हुई। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। खबरनामे में प्रदेश की खबरों का सफर दिन की सबसे चर्चित खबर से शुरू करते हैं। पेपर लीक के विवादों से घिरी यूपी पुलिस की 60,244 सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करने का आदेश देते हुए इसे 6 महीने के भीतर दोबारा कराए जाने और आगामी परीक्षा में अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज की बस सेवा निःशुल्क दिए जाने का आदेश दिया है और यूपी एसटीएफ से इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई के लिए कहा है। सीएम ने इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुरू से ही सरकार पर हमलावर रहे हैं। अब परीक्षा रद्द किए जाने पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे सरकार की नाकामी बताया है। उन्होंने लिखा कि परीक्षा रद्द होने का फैसला युवाओं की जीत है और तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने को मजबूर हुई है। सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए लिखा कि भाजपाई पहले तो कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो अब कैसे मान लिया। 17 और 18 फरवरी को आयोजित हुई इस परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। परीक्षा रद्द किए जाने के बाद राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। उन्होंने इसे छात्र शक्ति और युवा शक्ति की बड़ी जीत बताया। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर इस भर्ती के अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा था। सोशल मीडिया पर यह गुस्सा पहले से ही फूट रहा था। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में भी अभ्यर्थियों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए भर्ती परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की थी। परीक्षा रद्द होने का फैसला सामने आने के बाद लखनऊ में अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब एक और
सरकारी परीक्षा के भविष्य पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी को आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर सोशल मीडिया में भी जंग चल रही है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक होने के आरोपों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। अब बात यूपी में लेखपाल के 8085 पदों पर चयनित युवाओं को जिनकी नौकरी अधर में लटक गई है। दरअसल कई बार अटकने भटकने के बाद जुलाई 2022 में लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। उसी समय से चयनित युवा नियुक्त पत्र का इंतजार करते रहे थे, मगर अब नियुक्त पत्र देने पर रोक लगने की बात सामने आ रही है, जिससे इस भर्ती में भी पेंच फंस गया है। इस परीक्षा में भी पेपर लीक को लेकर काफी हंगामा हुआ था। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती के भी इस गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसकी वजह है कि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे लगातार कह रहे हैं कि मायावती के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि इस गठबंधन में बसपा की एंट्री होने की संभावना ना के बराबर है। कारण है कि अखिलेश यादव शुरू से ही बसपा को गठबंधन में लाने का विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि गठबंधन हो गया है और सीटों का बंटवारा भी हो गया है। पुलिस से विवाद मामले को लेकर सुर्खियों में आए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल एक ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि आई इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस वीडियो ऑडियो में सुब्रत पाठक और उनके मित्र सतीश पाल टिकट को लेकर आपस में विवाद कर रहे हैं। इस ऑडियो को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह था आज का खबरनामा, आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर, मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगविन टायर, हरदोई रोड, सीतापुर।